ये उत्तर प्रदेश है साहब। उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री अपनी हर सभाओं में, अपने हर भाषणों में, अपने हर इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना इतना आसान नहीं है। चलिए हम आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। ऐसे देखने के बाद आप खुद ही फैसला करिएगा कि यूपी में क्या चल रहा है। ये शर्मनाक तस्वीर आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज की है। इस तस्वीर में आपको जो कुछ दिख रहा है वो किसी बीमार इंसान की नहीं, ये तस्वीर है बीमार सरकारी व्यवस्था की। दरअसल बरहन क्षेत्र के नगला बेल निवासी ललिता टीबी विभाग में भर्ती है। डॉक्टरों ने शुक्रवार को उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए नई 8 मंजिला इमारत भेज दिया। टीबी वार्ड से अल्ट्रासाउंड केंद्र की दूरी तकरीबन 500 मीटर है। मरीज के साथ वो आया करती थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड सेंटर तक जाने के लिए स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में मरीज के परिजन राम बाबू कंधे पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर को रखकर चलने लगे। रास्ते में सिलेंडर की ऑक्सीजन कम हो गई थी, साथ में आई आया ने ईंट मारकर सेट किया। सरकारी मेडिकल कॉलेज की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। जब इस घटना के बारे में अस्पताल प्रशासन से बात की गई तो सुनिए क्या जवाब मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर और ड्रिप लगी हुई बोतल को अपने हाथ से पकड़ के ले जा रहा है, यहाँ तक कि उसे एम्बुलेंस ही नहीं मिली, जिसके बाद उसे रिक्शे में लेकर जाना पड़ा। रिक्शे का तो पता नहीं, लेकिन मैंने देखा है सिलेंडर लेता हुआ ले जाते हुए, फोटो भी मेरे पास आया, शायद आप ही लोगों ने भेजा होगा। इसमें मेरी प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई और मैंने उनसे कहा है कि वो अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहा था एक्चुअली शिफ्ट हो रहा, तो मैंने उनसे कहा कि अगर इस तरह का पेशेंट कोई सीरियस है जिसको ऑक्सीजन भी लगी हुई है, उसका अल्ट्रासाउंड बेड साइड पर ही करवाएं इमरजेंसी में, और इसी तरह से ऑक्सीजन भी कोशिश करें कि जो सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई उसे होती है पाइपलाइन से, वो स्टार्ट हो जाए जल्दी से। तो ये देखने में आ रहा है कि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लापरवाही दिख रही है, हमेशा जांच की बात कही जाती है लेकिन जांच पर रिपोर्ट कोई नहीं है। नहीं, जांच देखिए, जांच तो ये एक प्रक्रिया है, लगातार चलती रहेंगी, कमियां आती रहेंगी, हम ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन जिसने भी जिस वार्ड में भी अगर ये हुआ है, वहां का वार्ड बॉय या जो भी कोई भी जिम्मेवार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो सुना आपने, ये तो एक प्रक्रिया है और निरंतर चलता ही रहेगा, लेकिन इसके लिए दोषी वार्ड बॉय को बना दिया गया, यानी अब जो कार्रवाई होगी वो वार्ड बॉय पर होगी और अस्पताल प्रशासन पाक साफ हो गया। अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।